आस्था का महापर्व शिवरात्रि पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं और मुजफ्फरपुर का शिव बारात और झांकी शोभा यात्रा उत्तर बिहार में अपना एक अलग महत्व रखता है। इस बारात में झांकी शोभा यात्रा को देखने दूर दराज से शिव भक्त शहर में आते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर में श्री राम भजन सेवा आश्रम से भव्य झांकी के साथ भगवान शिव की बारात निकलेगी। 1971 से ये बारात महाशिवरात्रि के दिन शहर में निकाली जाती है। इस बार भी भगवान शिव की बारात और झांकी शोभा यात्रा गोला रोड स्थित श्री राम भजन सेवा आश्रम से धूमधाम से निकालने की तैयारी की जा रही है। संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष भी इसमें दर्जनों झांकियां शामिल की जाएंगी। श्रद्धालु पर्वतराज हिमालय पर विराजित भगवान शिव और माता पार्वती के भव्य स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए प्रमुख चौराहों पर फलों से सुसज्जित तोरण द्वार बनाए जाएंगे। श्रद्धालु अपने घर की छतों से पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा ऊंट के साथ भगवान शिव के विशाल शिवलिंग, रथ पर सवार अन्य देवी देवताओं के झांकियों के साथ भगवान शिव के गण के रूप में भूत प्रेत भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हरि बाबा खुद कराते हैं और तैयारी ऐसा मनमोहक होगा कि जो लोग देख करके उनकी मन प्रसन्न हो जाएगी, आस्था बढ़ जाएगी और भगवत कृपा उन्हें प्राप्त होगा। ये महोत्सव कोई व्यक्तिगत नहीं है, बाबा की कृपा है तो सभी जाति धर्म के लोग इसमें समर्पित होकर के सहयोग करते हैं। और यह 52 वर्ष होने जा रहा है, पिछले वर्ष स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, बाबा की कृपा प्रेरणा हुई तो मैंने शिव महिमा ग्रंथ लिखा और उसका लोकार्पण हुआ। लोगों में बहुत सम्मान पाया वो ग्रंथ, कि भाई इतनी पौराणिक बात इसमें सब सारे चित्र सारे 50 साल के सारे सीन उसमें मैंने दिया। तो कंपेरिजन करने के बात नहीं है, ये तो हर साल उनका स्वरूप उनका झांकी वो खुद करवा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल जितना सुंदर होगा विगत पिछले वर्षों में हमने ऐसा नहीं सोचा होगा, परंतु ये मेरी सोच आज भी नहीं है, ये उनकी प्रेरणा है, उनकी कृपा है। जैसा वो कहते हैं यहाँ वैसा होता है। मगर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस बार हमने समय में तब्दील किया हूँ, क्योंकि हमारे जितने भक्त आते हैं उन्हें रात में वापस लौटने में बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ धर्मशालाएं बहुत थे, सारे पूंजीपति और धर्मशाला के मालिक लोग उसे व्यवसाय बना दिए, बेच लिए, अब कहीं सर छुपाने के लिए धर्मशाला नहीं है समाज को। तो यहाँ आते हैं जितने 100, 200, 500 तो रहते हैं, पर उतना से काम नहीं होता क्योंकि लाखों की भीड़ आती है। तो हमने सोचा, उनकी कृपा प्रेरणा हुई, मैंने सोचा नहीं, मैंने दर्द अपनाया और कहा कि बाबा बड़ा दिक्कत होता, हम क्या करें। क्या अलग दिखेगा इस वर्ष झांकी में? इस बार तो अलग देखने के लिए आप अभी से तैयारी पूरी नहीं हुई, आप देख लीजिए। अब इस पर शेषनाग विष्णु भगवान बैठेंगे जो शेष सैया पर विराजमान है, हमारे बर्फानी बाबा है वहाँ पर, एकादश रुद्र हनुमान जी बैठेंगे, हमारे इस पर भगवान भोले शंकर गरीबनाथ बाबा का इसमें झांकी रहेगा, चांदी का मुकुट होगा, वो नाग फनी होगा और रानी सती मंदिर का वो चौड़ होगा, छत्र होगा, विलक्षण प्रतिभा का दर्शन यहाँ से होगा। लोग इस रथ को जगन्नाथ जी के रथ की तरह खींचेंगे, ठेलेंगे नहीं, खींच कर चलेंगे और अपने आप को भाग्यशाली। कोरोना का भी असर दिख रहा है तो क्या इसमें कैसे संभव हो पाएगा? मैं समझता हूँ कोरोना एक काल है परिस्थिति बस, परंतु बाबा महाकाल है, उनके सामने कोरोना तो भाग चुका है और इस जुलूस में तो कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि महाकाल के सारे शिव भक्त इकट्ठा रहते हैं। तो जहाँ शिव भक्त इकट्ठा रहते हैं, भक्त से बड़ा भगवान नहीं होते हैं, भगवान से बड़ा भक्त होता है। यहाँ कोरोना भाग जाएगा, कोरोना नहीं आएगा यहाँ।